सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ फाइनल मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में लोग सॉल्व करें एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। वो थोड़ा हो सकता है आपको फास्ट लगा हो, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। इस वीडियो में आराम से पढ़ाऊंगा समझा के। उस दिन मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकता है, इसलिए स्पीड में निकल गया। ठीक है, तो आज थोड़ा आराम से पढ़ते हैं और समझ के अच्छे से सॉल्व करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर देख लो 4 करने वाले हैं, क्वेश्चन 5 करने वाले, क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि इसकी थियोरी के बारे में, अगर नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो में जाना, उसके नीचे PDF पड़ा हुआ है, PDF का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करना PDF और प्लीज़ थियोरी अच्छे से पढ़ लेना। थियोरी क्लियर रहेगा तो यहाँ आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है क्या, xy = a e to the power x + b e to the power -x + x2। ठीक है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट खोजना। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यहाँ पर हम लोग खोजते हैं, वो कितना है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं, नीचे लिखा था कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, ये नीचे लिखा गया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसका आर्बिट्री कांस्टेंट खोजते हैं। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऐसा वैल्यू जो वेरिएबल नहीं है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ए कैपिटल है और कैपिटल बी। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है हमारे पास, आर्बिट्री कांस्टेंट = 2। ठीक है, जैसा कि हम लोग थियोरी में जानते हैं, थियोरी के अनुसार जानते हैं, अगर हम लोग का नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होता है, उतना टाइम ही हम लोग क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है और हमें आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो उसमें क्या आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह ना हो, बस यही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट है हम उतना बार ही क्या करेंगे, डेरिवेटिव उसका करेंगे गिवन इक्वेशन। तो हम इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और 2 बार हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही आसानी से जाए, क्योंकि बताते हैं, क्योंकि e के पावर में कोई और टर्म नहीं है, e to the power x के पावर में, जैसे e to the power 2x के कोएफिशिएंट में, x के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है। ठीक है, ये माइनस है, तो इसको डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या, बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया है और आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है, तो डिफरेंशिएट कितना और करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कितना और करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताइए आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग खुद ही कर सकते हो आराम से। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, d/dx(u)(v), प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को पास निकलता क्या है, xy'। हाँ, एक बात और है कि अगर यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर y' यहाँ पर सर आपने क्या लिखा है। ठीक है, y' अगर आप लोग यहाँ पर देख लो तो y' क्या है, dy/dx, क्योंकि dy/dx क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है और सिंपल लिखना ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को, इसलिए मैंने y' ही सिंपली रखा है और आसानी से लिखा भी जाता है। ठीक है, आप लोग भी यही ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग dy/dx से कंटिन्यू करना। ठीक, कन्फ्यूज मत होना कि सर आपने y' क्या लिखा है, y' क्या है, dy/dx लिखा हुआ। ठीक है, मैं इसके जो मैं PDF इसके अटैच करूंगा उसमें मैं लिख दूंगा कि y = dy/dx। सिंपल, आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या निकला, xy'+y - 2x, क्या x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a e to the power x हो जाएगा -b e to the power -x। अब बताओ माइनस कहाँ से आ गया, चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये तो आता ही होगा आप लोग को, मुझे लग रहा है नहीं आता तो प्लीज़ बता देना, अगर मैं जब डिफरेंशिएशन शुरू करूँगा तो बहुत ही बेसिक से शुरू कर दूंगा। ठीक है, कि आसानी से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको आसानी से। तो लाल तो बहुत हो गया, अब हरियाली लाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इरेज करते हैं सबको और एक चीज़ लिख देते हैं, y' क्या है, dy/dx के बराबर है। ठीक है, हरा रंग, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है, ये वाला पार्ट निकलता है। ठीक है, सिंपल है, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको यही वाला पार्ट फिर से हमको क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट वापस मिल जाएगा। आप लोग बताओ कैसे, क्योंकि e^x का e^x ही होगा, e^-x का क्या होगा, -e^x, -+ हो जाएगा। तो सिंपली क्या, e^x और b+b e^-x, यही अल्टीमेटली आया, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको वाले पार्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। xy' के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, xy' के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो निकला क्या हमारे पास,
एक्स वाई डबल डैश इंटू वाई डैश, वाई डैश क्या था एक टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू वन, एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स माइनस बी इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये कैसे हुआ ये आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर ब्लैक स्क्रीन में समझाऊं मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ई टू दी पावर माइनस एक्स है, ई टू दी पावर एक्स मानते हैं तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर जेड, जैसे चेन रूल हम लोग ई टू दी पावर जेड क्या हो जाता है ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और जेड जो है उसका फिर क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, देखें स्लेट कोई दिक्कत आ रही है तो। यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली क्या करते हैं देखते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड मतलब जो माइनस था उसको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस बना देते हैं, तो क्या हो गया ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर माइनस एक्स, तो बताओ ये इक्वेशन वन की तरह हो गया कि नहीं, और हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बुक में जो आपका आंसर दिया हुआ वो कुछ पार्ट छोड़ के दिया हुआ है, इसीलिए बुक के आंसर को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं। आंसर आपको निकालना क्या है, सिंपली आंसर आपको निकालना है इस पार्ट में जिसमें आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट ना हो, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सही से करना कि जो भी अगर आपको एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो समझ पाए कि आप लोगों ने स्टेप सही किया है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ क्या निकला हमारे पास, ये वाला पार्ट निकला, और इसको हम क्या करेंगे इससे रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन वन से, रिप्लेस करने के बाद हमारा आंसर सिंपली निकल जाएगा। तो देखो रिप्लेसमेंट के बाद हमारा आंसर क्या हो जाता है देखते हैं, इक्वेशन वन के यूज करके हम लोग क्या जाता है ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। तो देखो फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप लोग खुद से भी करके देखना, अगर हो सकता है मेरा गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर आपने गलत कराया है, अगर नहीं अगर आपको समझ में ठीक से आया तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बहुत फास्ट बोल दिया मैंने सॉरी। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था इस टाइप के का। देखो अगर कोएफिशिएंट नहीं रहेगा ना, जैसे देखो ई टू दी पावर एक्स में अगर कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट अगर नहीं है, सिंपल ए टू दी पावर एक्स है, तो उसको कितना बार भी डिफरेंशिएट करो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, तो उसको रिप्लेसमेंट आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोएफिशिएंट आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 या 6 में करने वाले हैं, जब उसमें कोएफिशिएंट आएगा जब ई टू दी पावर एक्स में, तब प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगी, तब हमको क्या डिफरेंट थिंकिंग लगाना होगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट थिंकिंग क्या होगा वो हम लोग आने वाले वीडियो में, आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, वीडियो में क्या देखना यही वीडियो में सब देखना। अब बताओ ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही आसान लगता है, आप लोग बताओ मुझे, ये क्वेश्चन मुझे बहुत 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 ही आसान लगता है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बहुत ही आसान लग रहा है, कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट खोजेंगे, क्या खोजेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, आप लोग बताओ कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, वीडियो पॉज करके सोचो, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या है, ठीक है, एन ए सी क्या है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा लिखने में समय बर्बाद होता है, तो नंबर फाइव कॉन्स्टेंट क्या है, दो है, तो हम लोग को गिवन इक्वेशन को दो टाइम डिफ्रेंशिएट करना है और ए बी की छुट्टी कर देनी है, क्या करनी है, छुट्टी, ठीक है, छुट्टी करने तो आप लोग जानते ही हैं, छुट्टी मारने में तो सब एक्सपर्ट हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये वाला यू पार्ट ये वाला वी पार्ट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करेंगे, सिंपली आप लोगों को पता ही है टूट जाएगा, जैसे प्रोटोकॉल के अनुसार है वैसे टूट जाएगा, वैसे हम लोग तोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसी तरह का हुआ सिंपली सॉरी सिमिलरली हुआ उसी तरह का, समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से बेसिक डिफ्रेंशिएशन किया होगा मुझे लग रहा है। अगर इसमें आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं डिफ्रेंशिएशन भी समझा सकूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इरेज किए बिना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, ये तो इसके ऊपर आ गया, इरेज ऑल कर देते हैं, ठीक है। अब बातें यहाँ समझने वाली ये हैं कि ये जो पार्ट है ये इसके सिमिलर है या नहीं है, आप लोग बताओ मुझे, जो सिमिलर है उसको सब्सटीट्यूट करते जाइए, ठीक है, वरना झूठ मूठ का आपको झमेला बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप इसको सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं इक्वेशन वन के अनुसार तो यहाँ होगा क्या एक्चुअली, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप इसका लंबा यू इंटू वी करके करेंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हेक्टिक हो जाएगा, आप लोग लगेगा क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत ही दिमाग खराब होगा और आपका सॉल्यूशन हो सकता है कुछ कुछ गलत हो जाए, ठीक है, मेजरली हो सकता है गलत हो जाए, माइनरली मतलब बहुत ही जो अच्छे से करते हैं तो उनके लिए सही हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेशन को जितना छोटा रखिएगा आप ही लोग का फायदा है, ठीक, मैं जब करता था तो मैं इक्वेशन को छोटा ही कर लेता था,
आप लोग भी प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चन को जितना आप छोटा रख सकते हो उतना ही रखिए, ठीक है, जितना आप छोटा कर सकते हैं विद सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो ये रहा हमारे पास क्या, इसको हम वाई से रिप्लेस कर दिए यहाँ पर, और हो गया क्या, वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब मुझे बताओ आप एक बात, ठीक है, फिर हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, फिर हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये वाला एक पार्ट होगा डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरा पार्ट में ये वाला डिफ्रेंशिएट होगा, ये वाला डिफ्रेंशिएट होकर ये पार्ट आया कि नहीं आएगा, आप लोग मुझे बताओ, बताओ मुझे आप लोग, ये वाला डिफ्रेंशिएट होकर वो पार्ट आएगा, कैसे आएगा वो भी देखते हैं हम लोग। देखो तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ये तो समझ में आ रहा है, वाई डबल डैश मतलब क्या हो गया, आप लोग बताओ मुझे वाई डबल डैश क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं इसे ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझते हो, आप लोग इतना तो पढ़े ही होंगे कि ये सब नोटेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। और डी बाई डी एक्स को क्या करेंगे, यू इंटू वी में तोड़ेंगे, तो ई टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और ये कॉन्स्टेंट बाहर रखें, ई टू द पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए साइन माइनस ए साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस बी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो इससे हमें फर्क क्या पड़ने वाला, यहाँ अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई टू द पावर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन के बराबर हो जाएगा, तो हम फिर वहाँ वाई रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन टू के बराबर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा समझने में झोल हुआ, चलो करके देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, करते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन वन टू, लिख लिया हम लोगों ने, डिफ्रेंशिएट कर लिए, इतना काम हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करके ये हाँ इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब बताओ ये वाले पार्ट में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये इसके बराबर रिजेंबल करेगा कि नहीं, और ये वाला पार्ट तो सिमिलर क्या है, इसके पार्ट का, इक्वेशन टू के पार्ट का है कि नहीं है, आप ही लोग बताओ, है ना। तो चलो आगे देखा जाए, तो देखो यही तो हुआ मेन पार्ट, वाई डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और ए टू द पावर दिस हुआ, और ये वाला पार्ट जैसा मैंने बताया था वैसा मैंने किया। अब सिंपली क्या कर दीजिए, सबसे चूट कीजिए और आंसर अपना चुटकियों में निकालिए, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट, अब इसको सिंपल थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ये हो गया हमारा फुल्ली फाइनली आंसर, ठीक है। बुक में आपका दिया हुआ है डी टू बाई डी एक्स पर करके, मुझे थोड़ा सुविधा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इक्वेशन, देखने में भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लंबा लंबा हो जाता है इक्वेशन, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सुविधा नहीं था, इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा। आप लोग प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा वही लिखने का, क्योंकि बुक में आंसर उसी टाइप से है, ठीक। तो वाई डबल डैश मतलब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं और महाकंसेप्ट के पीछे चलते हैं, ठीक है। ये सर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो सिंपली क्या ये रिपीटेटिव है, ये वाला पार्ट क्या है, रिपीटेटिव है, अगर आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये फिर से वही रिपीट कर देगा, ठीक है। जो रिपीटेटिव है उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ई टू दी पावर जब कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट जब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तब प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ने लगता है, ठीक है। जो दो तीन फंक्शन रहता है तब, एक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हो तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से इसको करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्या करना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझिए सबसे पहले एक चीज़ हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सबसे पहले आप जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितना है इसके, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितना है, इक्वल टू थ्री है। डिफ्रेंशिएट कितना बार करेंगे हम लोग, तीन बार, ठीक। लेकिन यहाँ तीन बार डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग डायरेक्ट करें, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन वन में किया था जो गलती, वही यहीं हम लोग दोहरा सकेंगे, दोहरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करना क्या एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे सिंपल बात सबसे सिंपल बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि तीन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, अगर हम सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फिर आगे वाले में कुछ आ जाएगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन वन टू को माइनस करके कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसा ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्रिक हम लोग अभी देखते हैं, ठीक। देखो सबसे पहला बात, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, बहुत सारा टर्म रहे उसमें, बहुत सारा फंक्शंस रहे, तो अगर कॉमन लेने वाला बात है तो कॉमन आप इसमें प्लीज़ ले लो, यहाँ पर तो कोई कॉमन लेने वाला नहीं है, तो क्या करें, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई ई टू दी पावर थ्री एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लोग बताओ मुझे, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, तो ई टू दी पावर थ्री इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैनेज करता हूं उनको, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें तो वी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सी में मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, वाई में।
अब हम लोग क्या कर सकते देख सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बी फ्री है। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बी एज अ कॉन्सेंट्रेट होगा और डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उसका, जीरो हो जाएगा। क्लियर, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यही काम हम लोग क्या करेंगे, जो आगे आने वाला जो होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट डिफ्रेंशियल डी वाई डी एक्स का टर्म में, तो उसके साथ भी हम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। ये तो पार्ट समझ में आ गया, क्या कैसे किया हमने ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 5x, सी टू द पावर 4x और बी, बी का डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये सब के बारे में आप लोग खुद ही जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं जब बताया, और सिंपली क्या यू इंटू वी से इसको तोड़ेंगे जैसा कि यहाँ दिख रहा है आप लोग को और जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो निकला क्या हमारे पास, e टू द पावर 3x प्लस वाई डैश 3y e टू द पावर 3x। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लगे हैं, चेन रूल लगाए हैं। ठीक है, अगर चेन रूल समझने में दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करें। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम अगर रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, चाहे एग्जाम में हो, चाहे गेट एग्जाम में, चाहे IAS एग्जाम में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये सब, तो प्लीज़ आप ये सब प्रॉब्लम नहीं रखें, शेयर करें हमारे साथ, तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीका से। क्लियर हो रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। यहां से हम लोग e टू द पावर 3x बाहर कॉमन ले लेते हैं, और यहां से हम लोग क्या करते हैं e टू द पावर 4x कॉमन लेते हैं। चीज़ें देख रहे होंगे ठीक से, क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमन लेके हम कॉन्स्टेंट को उड़ा रहे हैं। यहाँ को मेहनत करने की जरूरत नहीं कि इक्वेशन 1 को माइनस करें, इक्वेशन 2 को माइनस करें, 3 को माइनस करें, मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले में देखा होगा, जैसे वीडियो सब में देखा होगा, जो हैंड रिटन सॉल्यूशन था उसमें देखा होगा कि मैंने क्या इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया था, वहाँ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ जो कॉमन लेने वाला पार्ट है, कॉमन लेके मैंने कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट बना दिया है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या किया है मैंने, जीरो कर दिया है। यहाँ e टू द पावर 4x कॉमन लेंगे, यहाँ e टू द पावर 3x कॉमन लेंगे, यहाँ सी में रखा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं वो भी कैसे होता है। बोल के तो बोलने में तो बहुत आसान लगता है सब चीज़, लेकिन करने में थोड़ा तो मुश्किल होता है, तो करके देखते हैं पहले। वो लंबा लंबा नहीं फेंकते हैं, अच्छा से फेंकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं e टू द पावर 4x का दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सी फ्री हो जाएगा, सी फ्री होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ टू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई प्लस थ्री वाई डैश प्लस थ्री वाई फाइव ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स और फोर सी। अब बताओ उसका डिफ्रेंशिएशन आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। इसको आप लोग यू मान लो, इसको वी मान लो, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, अब मुझे लगता है उतना समझाने की जरूरत नहीं है कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक, PDF अटैच कर दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग प्लीज़ इसे क्लियरली देख लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, वीडियो प्लीज़ शेयर करना ताकि सबका हेल्प हो। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखो सिंपली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कि हम लोग क्या किया है, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स है माइनस, और यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई डैश माइनस थ्री वाई हो गया। क्लियर है, तो रिजल्टेड हम लोग के पास निकलता क्या है, वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश माइनस थ्री वाई फाइव ए टू द पावर ई एक्स। अब बताओ आप हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को अब समझ ही गए क्या करेंगे हम लोग, अब ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे, फाइव ए हमारा क्या बच जाएगा, खाली बच जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, 5 खाली बच जाएगा, डिफरेंशिएट फिर कर देंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, कोई डाउट नहीं होगा। इस समय डाउट आ जाए तो बहुत दिक्कत होगा बाबू आप लोगों को, समझे, ये समय अगर आप लोगों को डाउट रह जाएगा ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आगे फ्यूचर में। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है और सॉल्व कैसे करना है, बस यही सब समझना है। ठीक, तो ये तो आप लोग कर लोगे, यहाँ डिवाइडिंग में बहुत साइड ये वाला कर लोगे आप लोग, यहाँ डिवाइड भी कर लोगे और ये इसका डिफरेंशिएशन भी कर लोगे, मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है मुझे। ठीक, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ई टू द पावर 2x कॉमन आएगा, और ये सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स है, आया जोड़ना घटाना है, ये तो आपको आता ही होगा, सेम चीज़ को जोड़ लेंगे घटा लेंगे, जो कटने वाला है काट देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो कर देंगे आगे इसका सॉल्यूशन। देखो अब आया ये वाला पार्ट, सॉरी ई टू द पावर माइनस 2x कॉमन हुआ है, वाई ट्रिपल डैश टू वाई डैश टू वाई डबल डैश माइनस थ्री वाई डैश, यहाँ टू वाई डैश टू वाई डबल डैश कट जाएगा। ठीक है, 4y डैश प्लस 6y। ठीक है, अब जो जो हमारा जरूरी है वो रखेंगे। अब एक चीज़ है कि देखो e टू द पावर माइनस 2x जीरो के बराबर जिंदगी में कभी नहीं होगा, कोई भी x का वैल्यू करिए e टू द पावर माइनस 2x जीरो के बराबर नहीं होता, ये बात आपको ही पता है। तो e टू द पावर 2x हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो ये हट जाएगा वहाँ से, तो हमारा क्या ये इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, तो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, ये इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया तो क्या हो गया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाई ट्रिपल डैश 7y डैश की 4y डैश हमको 3y डैश से ऐड कर दिए, ये कैंसिल हो गया,
और ये वाला पार्ट हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है, तो सिंपली क्या है वाई डबल वाई ट्रिपल डैश माइनस सेवन वाई डैश प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, बुक से आंसर आप लोग मैच कर लेना मिल जाएगा। इसको आप लोग लिखने कैसे लिख सकते हो, डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस सेवन डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई। देखो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पेपर में बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन। अगर मैंने डी वाई बाय डी एक्स करके लिखता सब में ना, तो मेरा माथा खुद खराब हो जाता, ठीक है, टाइम भी बहुत बर्बाद होता और दिमाग मेरा खराब होता। तो मैं अपना दिमाग खराब होने से बचाने के लिए और आपका भी दिमाग खराब होने से बचने के लिए मैंने यही नोटेशन यूज किया। अगर ये नोटेशन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में इस नोटेशन को यूज़ नहीं करके आप लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यूज़ करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, डाउट ही होगा, डाउट अगर नहीं जाएगा तो आप कभी क्वेश्चन आर्बिट्ररी क्वेश्चन, मतलब जैसे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उसको हटाने में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट मतलब जो भी क्वेश्चन अगर बुक से बाहर हो, मतलब थोड़ा सा अलग से फॉर्मेशन हो क्या हो, तो वो सब सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखा हुआ क्वेश्चन तो आप लोग हमेशा कर लोगे, लेकिन नया क्वेश्चन कैसे कर पाओगे बिना कंसेप्ट के, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस सब पर ध्यान दें। तो बाकी आप लोग जानते होंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर, चैनल पर नए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारा ही भला होगा आपके दोस्तों का भला हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक, शेयर जितना मारिएगा उतना अच्छा रहेगा, चलिए हमारे लिए नहीं आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, तब ठीक है। अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस नेक्स्ट बचे हुए वो सब करेंगे, और मैट्रिक से कुछ कुछ कंसेप्ट, मैट्रिक से भी कंसेप्ट कुछ कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है जो करेंगे 2.3 के जो बचे हुए कुछ कुछ कंसेप्ट है वो लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।